कैसे हो दोस्तों? मैं परमिंदरजीत सिंह ईगल, ईगल मेडिटेशन क्लब के इस प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत करता हूं। और मेरे साथी रजनी ईगल जो आज मेरा साथ दे रहे हैं। सो दोस्तों, जो आज का हमारा विषय है, एक आत्मा और एक शरीर। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है उन दोस्तों के लिए है, उन साथियों के लिए है जो कहते हैं मेरे अंदर प्रेत आत्मा प्रवेश कर गई या मेरे अंदर कोई जिन प्रवेश कर गया। दोस्तों, अगर आपको किसी ने बोला है कि आपके अंदर कोई प्रेत आत्मा, कोई भूत या कोई जिन प्रवेश कर गया है, तो वो बिल्कुल झूठ है। दोस्तों, जो शरीर है ये भगवान की दी हुई एक संपत्ति है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है। इसमें कोई दूसरी आत्मा प्रवेश नहीं कर सकती। इसका उच्चारण पवित्र ग्रंथ भगवत गीता में दिया गया है, जब आत्मा के ऊपर भगवान कृष्ण अर्जुन को प्रवचन दे रहे हैं और इस शरीर को नाशवान बताते हुए बोला गया है कि जो ये शरीर है ये आत्मा का घर है और एक शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है। ऐसा ही प्रवचन श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी दिया गया है और भी बहुत से ग्रंथ हैं जिनमें ऐसे प्रवचन दिए गए हैं और जिसमें बताया गया है कि एक शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है। अगर फिर भी आपको लगता है कि एक शरीर में दो आत्माएं प्रवेश कर सकती है, तो इस संसार में कोई भी मुर्दा ना होता। हर कोई अपने प्रियजन को, उसकी आत्मा को अपने वश में करकर किसी और शरीर में प्रवेश करवा सकता और इस संसार में सभी अमर हो जाते, किसी की मृत्यु ना होती। दोस्तों, भगवान ने हमें एक ही आत्मा बनाया है और हमें आत्माओं को रहने के लिए एक ही घर यानी कि एक ही शरीर दिया है। सो आपके मन में अगर ऐसा सवाल कभी उठे, तो सबसे पहले ये क्वेश्चन खुद से करना, अगर एक शरीर में दूसरी आत्मा प्रवेश कर सकती होती तो इस संसार में कोई जीव कभी भी मृत्यु को प्राप्त ना होता, सभी जीव जहाँ पे अमर हो जाते और सभी किसी का विप्रिय जन उनसे दूर ना होता। सो दोस्तों, जो मृत्यु है वह जटिल सच्चाई है, इसको बदला नहीं जा सकता। जब एक आत्मा अपना शरीर, अपना घर छोड़ देती है, वो किसी दूसरे घर में प्रवेश तब ही करती है जब वो नया जन्म लेती है, नया जीवन शुरू होता है, तब ही एक आत्मा दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकती है, अन्यथा कोई भी एक आत्मा किसी दूसरे शरीर में प्रवेश नहीं कर सकती। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको कोई बोले कि आपके अंदर कोई प्रेत आत्मा, कोई जिन, कोई भूत प्रवेश कर रहा है, तो ये बिल्कुल झूठ है। एक शरीर में सिर्फ एक ही आत्मा रह सकती है, जो पहले से ही परमात्मा ने उस शरीर के अंदर बिठा रखी है। सो आप इस प्रति अवेयरनेस हो जाएं, कोई भूत, कोई प्रेत, कोई जिन एक शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता। जिंदा शरीर में कभी भी कोई भूत, प्रेत या जिन प्रवेश नहीं कर सकता और ना ही मुर्दा शरीर में। सो दोस्तों, आपसे आशा है कि आप हमारी इस बात पर सहमत होंगे और धर्म ग्रंथों के प्रवचनों के ऊपर आप ध्यान दोगे और जागृत होगे। सो आज के लिए इतना ही। एक आत्मा एक शिव के साथ आपसे विदा चाहता हूँ। धन्यवाद।